गाइस वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ दीपिका, दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपकी स्किन डस्की है, ड्राई है, ऑयली है, तो आप ऐसे में कौन सा फेशियल लो जिससे कि आपके स्किन पे फेशियल्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, और फेशियल के बाद कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिससे कि आपके फेशियल का ग्लो जो है वो आपके लॉन्ग टाइम बना रहे। बेसिकली ऐसा होता है कि जब भी हम फेशियल्स कराते हैं तो फेशियल के बाद जो चीज़ें हमें नहीं करनी होती है वही चीज़ें हम अक्सर कर जाते हैं, चाहे वो गलती से हो चाहे वो जानबूझकर हो। लेकिन अगर वो गलतियां कर देते तो फेशियल के जो ग्लो है ना वो रहता नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि डस्की स्किन है और ड्राई है और ऑयली है, तो ऐसे में आपको कौन से फेशियल लेना चाहिए जिससे कि आपको रिजल्ट 100% मिले, जो आप चाहते हैं कि फेशियल के बाद हमें वो रिजल्ट मिले। सबसे पहले बात कि अगर आपकी स्किन डस्की है, आपकी स्किन सांवली है, तो ऐसे स्किन पे कोई भी फेशियल सूट नहीं करती है। ऐसे स्किन में हमेशा वाइटनिंग फेशियल बहुत ज़्यादा सूट करती है। जो डस्की स्किन वाले होते हैं उनको हमेशा डायमंड की फेशियल और कोई भी वाइटनिंग फेशियल आप दे सकते हो, उनके स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इसके अलावा फ्रूट फेशियल ले सकते हो। फ्रूट फेशियल ऑल स्किन टाइप होती है। अब ये नहीं कि मैंने पहले फ्रूट फेशियल के बारे में बताया तो आप कहोगे कि हमेशा फ्रूट फेशियल के बारे में ही बताती हूँ। फ्रूट फेशियल अलग अलग आते हैं, चाहे वो एप्पल के हो, चाहे वो अनार के हो, चाहे वो पपाया के हो, बहुत सारे फ्रूट फेशियल आते हैं। तरह तरह के अलग अलग ब्रांड्स के भी आते हैं। तो जो फ्रूट फेशियल्स होती है वो ऑल स्किन टाइप होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको वाइटनिंग फेशियल्स या फिर डायमंड फेशियल्स आपको थोड़ा कॉस्टली लग रहा है तो आप फ्रूट फेशियल ले सकते हैं। फ्रूट फेशियल ऐसा फेशियल है जो नॉर्मल रेंज में भी है और ऑल स्किन टाइप भी है, और ये सभी स्किन वालों को सूट करता है। डस्की स्किन वालों को भी, फेयर स्किन वालों को भी, मीडियम स्किन वालों को भी, सभी तरह के स्किन वालों को ये सूट करती है बहुत अच्छे से। और जो डायमंड फेशियल किट है और जो स्किन वाइटनिंग फेशियल किट है ये भी आपको अलग अलग ब्रांड में मिल जाएंगे। और डायमंड की फेशियल किट और स्किन वाइटनिंग फेशियल किट यही आपको लेना चाहिए जिनकी स्किन डस्की है, उनके स्किन पे ये फेशियल्स बहुत अच्छे से सूट करते हैं और यही आपको कंटिन्यू रखने चाहिए। अदरवाइज अगर आप कोई और फेशियल्स लेते हो ना तो ऐसे स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं करती और उनके स्किन पे फेशियल्स के रिजल्ट्स नहीं आते। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हमें क्या करना चाहिए या फिर कौन से फेशियल्स लेने चाहिए। तो जिनके स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन वालों के लिए ड्राई फेशियल नहीं आती है। जो फेशियल किट हमारे पास होते हैं उसी में हम करते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए जो टेक्निक होती है वो हमें पता होता है तो हम उसे अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपके स्किन ड्राई है तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर आप घर पे कर रहे हो या फिर कहीं से भी करवा रहे हो तो जिनकी स्किन ड्राई होती है उसमें फेशियल्स ऑयल यूज़ किया जाता है जो उनके स्किन को मॉइस्चर दे, जो उनके स्किन को और ड्राई ना बनाए। फेशियल की वजह से उनकी स्किन ड्राई ना हो, क्योंकि उनकी स्किन पहले ही ड्राई है ऑलरेडी, और जब हम मसाज करते हैं तो उसके वजह से थोड़ी स्किन ड्राई हो जाती है। जिनकी स्किन ड्राई होती है उन पे हम फेशियल्स ऑयल की मसाज ज़्यादा करते हैं। फेशियल्स ऑयल हम ज़्यादा उसमें ऐड करके डालते हैं ताकि उनकी स्किन ड्राई ना हो। हो गई ड्राई स्किन वालों के लिए कि जिनकी स्किन ड्राई है उन पे फेशियल्स ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना है। जिनकी स्किन नॉर्मल है, जिनके स्किन कॉम्बिनेशन है, तो उनके स्किन पे ऑयल नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलता है, तो भी रिजल्ट आती है। लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए स्पेशली हमें फेशियल्स ऑयल को यूज़ करना ही चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। अब जिनके स्किन ऑयली है ऐसे स्किन वालों को क्या करना चाहिए, किस तरह से फेशियल देने चाहिए। तो जिनके स्किन ऑयली होती है ना उनके स्किन पे जो फेशियल्स के स्टेप्स होते हैं वो आगे पीछे किया जाता है, नंबर वाइज नंबर आगे और नंबर पीछे कर दिया जाता है। जैसे फेशियल के जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं वो नंबर वाइज होते हैं, तो नंबर वाइज हम उसमें नहीं चलते। जो नंबर 4 नंबर में आती है वो हम 3 में करते हैं, जो 3 में आती है वो हम उसे 4 में करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट कितने हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट है। हर फेशियल किट में क्रीम और जेल तो नहीं होती, लेकिन बहुत सारे फेशियल किट में क्रीम और जेल होती है। क्रीम और जेल की जो मसाज होती है ना वो गर्मियों में और सर्दियों में चेंज होती रहती है। इसके जो नंबर होते हैं वो आगे पीछे हमेशा होते हैं, जैसे कि उनके स्किन पे बिल्कुल अच्छा सा और फेशियल का ग्लो आए, फेशियल्स के रिजल्ट्स आए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डस्की स्किन वालों को कौन से फेशियल्स देनी है, डस्की स्किन वालों को कौन सा फेशियल सूट करेगा,
ड्राई स्किन वालों को किस तरह से फेशियल करनी है और ऑयली स्किन वालों को किस तरह से फेशियल करनी है। अब हम बात करते हैं कि फेशियल्स के बाद हमें कौन सी मिस्टेक्स, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो फेशियल्स करने के बाद पार्लर में कई लोग गलती करते हैं कि क्लाइंट को सीरम अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारी क्लाइंट जब घर जाते हैं और विदाउट सीरम जाते हैं तो उनके स्किन पे जो डस्ट होते हैं वो पोर्स तब खुले होते हैं, जब हम फेशियल करते हैं तो उनके पोर्स खुले होते हैं, उससे प्रोडक्ट अंदर चला जाता है और उनके स्किन को हार्म करता है। दूसरी गलती जो हमारी क्लाइंट करती है, जब हम उन्हें बताते हैं कि फेशियल्स के बाद आपको धूप में नहीं जाना है, किसी भी मार्केटिंग के लिए नहीं जाना है, कहीं भी आपको बाहर नहीं जाना है, वो जब ऐसी गलती करते हैं, धूप में बाहर जाते हैं, धूप के रोशनी के संपर्क में आते हैं, तब उनके स्किन डैमेज होती है। तीसरी गलती करते हैं कि जब भी फेशियल्स लिया, अभी फेशियल्स लेना है और रात को हमें पार्टी में जाने या फिर कल हमें पार्टी में जाना है, इसके वजह से जल्दी जल्दी वो मेकअप कर लेते हैं, जबकि फेशियल्स के 2 से 3 दिन तक कोई भी मेकअप के लिए उनको नहीं बोला जाता है, जिससे कि उनका फेशियल्स का जो रिजल्ट है वो आता नहीं है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद कोई भी फेस वॉश और कोई भी सॉप या फिर साबुन आपको इस्तेमाल नहीं करना है जब तक आपको ये बताया जाता है, जितना टाइम आप लोग को दिया जाता है, ज़्यादातर आपको बताया जाता है 12 घंटे और 24 घंटे के अंदर, या 12 घंटे बताया जाएगा या 24 घंटे बताया जाएगा, लेकिन आपको 2 दिन तक तो आपको अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। ये 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करनी चाहिए, अपने स्किन पे कोई भी फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए और धूप के संपर्क में आपको ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ये सारी गलतियाँ करने की वजह से आपके फेशियल्स का ग्लो नहीं रहता है और आपके स्किन पे कोई भी फेशियल्स के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, और आपके फेशियल्स का जो ग्लो है वो लॉन्ग टाइम तक भी नहीं रहती है, 2 से 3 दिन रहेगी और हफ्ते रहते हैं, उसके बाद आपके फेशियल्स के ग्लो चली जाती है। तो यही सारी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आप लोग फेशियल्स करवाते हैं तो आप लोग ये गलतियाँ ना करें, और आपके स्किन के अकॉर्डिंग भी बता दिया अगर आपकी स्किन डस्की है तो कौन से फेशियल्स लेनी चाहिए। 2 से 3 चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन घंटी है उसे प्रेस करना। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।